प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 5 का हिंदी का विषय करेंगे और हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 दोस्त की मदद। इस कहानी में हमने कछुआ और लोमड़ी की दोस्ती के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हम करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ दिए गए हैं दो चित्र, एक है कछुए का और एक है तेंदुए का। आपको क्या करना है, इनमें रंग भरना है। कछुए कौन सा रंग का होता है? हरे रंग का। और तेंदुए कौन से रंग का होता है? गाढ़ा पीले रंग का। तो आप अच्छे से इन दोनों चित्रों में रंग भरिए। दूसरा प्रश्न है, अपने दोस्तों के नाम लिखिए। आपके स्कूल में और अपने पड़ोस में बहुत सारे दोस्त होंगे, आपको सिर्फ अपने 4 दोस्तों के नाम लिखने हैं। प्रश्न 3 है, खाली स्थान भरिए। अब ये जो तीनों खाली स्थान हैं, ये जो तीनों वाक्य दिए गए हैं नीचे, यह कहानी से संबंधित है। जो आपने इस कहानी में पढ़ा है वही आपको इनमें लिखना है, ठीक है? कहानी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब दोस्त की मदद कहानी में क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। तो पहला वाक्य देखते हैं, तालाब में डैश रहता था। कौन रहता था तालाब में? कछुआ। तेंदुए ने डैश को मुंह में पकड़ लिया। बताओ, तेंदुए ने किसे मुंह में पकड़ लिया? हाँ, कछुए को। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ लिया। कछुए की मदद उसकी दोस्त डैश ने की। किसने की थी मदद? लोमड़ी ने। कछुए की मदद उसकी दोस्त लोमड़ी ने की। देखो, इतने आसान थे ये। अब चौथा प्रश्न देखो, ज़रा बदल कर देखें। यहाँ हम वचन बदलेंगे। जब हम एक चीज़ों को अनेक में बदलते हैं, एक को अनेक में बदलते हैं, तो उसे वचन बदलो कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण दिया गया है, एक कछुआ 3 कछुए। जब भी हम एक की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक कछुआ, या एक पौधा, एक संतरा, एक पतीला, एक बस्ता, ठीक है? अपने आसपास भी देखो, एक तकिया, ठीक है ना, एक बोतल, एक सेब, ठीक है? अब हमें क्या करना है, एक को अनेक में बदलना है। अगर एक की जगह 2 चीज़ें हों, या 3, 4, 5, अनगिनत, मतलब ज़्यादा चीज़ें, तो हम इस शब्द को थोड़ा सा बदल देंगे। जैसे कि एक कछुआ था तो हमने कछुआ बोला था, अब 3 हुए तो हम कछुए बोलेंगे, कछुए। आ को हमने ए में बदल दिया। नीचे भी हमें यही करना है, हमें नीचे वाले शब्दों में भी आ को ए में बदलना है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा, और आ की मात्रा को हम बदल देंगे ए में। एक पौधा 10 पौधे, एक संतरा 10 संतरे, एक पतीला 8 पतीले, एक बस्ता 3 बस्ते, ठीक है? हम सिर्फ आ की मात्रा को एक की मात्रा में बदल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न है, बताओ ऐसे कौन चलता है फुदक फुदक कर। बताओ फुदक फुदक कर कौन चलता है? फुदक फुदक कर चलता है मेंढक। रिंग रिंग कर कौन चलता है? सांप। उछल उछल कर कौन चलता है? कंगारू। और छलांग मार कर कौन चलता है? छलांग मार कर कंगारू चलता है। और उछल उछल कर कौन चलता है? खरगोश। तो इसमें आप देखना कि मैंने जैसे अभी पहले बोला उछल उछल कर कंगारू चलता है, तो आप उसको बदल दीजिए, उछल उछल कर खरगोश चलता है और छलांग मार कर कंगारू, ठीक है? अब 6ठा प्रश्न देखो, 2 सख्त और 2 मुलायम चीज़ों के नाम लिखो। आपको यहाँ पे 2 सख्त चीज़ें और 2 मुलायम चीज़ों के नाम लिखने हैं। 2 सख्त चीज़ों के नाम आप लिख सकते हैं लकड़ी, लोहा या कछुए का खोल, और मुलायम चीज़ें जैसे कि हो गया रुई, कागज़, और बताओ आप भी बताओ, पत्ता भी मुलायम होता है ना? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी मुलायम हो, ओके?